एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। इस चैनल में हर एक वीडियो दो डिफरेंट लैंग्वेज में प्रोड्यूस करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, काइंडली फॉलो कीजिए। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि स्टैक क्या है, उसका ऑपरेशंस क्या क्या है, एरे से उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, लिंक्ड लिस्ट से कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए। आशा करता हूं कि आपने वो वीडियोस देखे हुए हैं, आशा करता हूं कि आपने वो वीडियोस देखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आई बटन में दिया हुआ है, काइंडली फॉलो कीजिए। तो बेसिकली ये पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होता क्या है? बेसिकली इसको हम पोलिश नोटेशन भी कहते हैं। एक पोस्टफिक्स नोटेशन जनरली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है। जैसे कि यहां पर a प्लस बी को अगर हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखें तो वो ए बी प्लस लिखेंगे। मान लीजिए और एक एक्सप्रेशन है 2 प्लस ब्रैकेट में 3 इंटू 1 माइनस 9। अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 1 को पहले एवेल्युएट करेंगे, इसको अगर लिखेंगे 3 1 स्टार हो जाएगा, फिर 2 प्लस है तो 2 3 1 स्टार और उसके बाद प्लस आ जाएगा, फिर माइनस 9 है तो यहां पर 9 माइनस लिखेंगे। तो ये हो गया एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। बेसिकली ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लिखने का एक और रीजन है कि यहां पर देखिए, जब हम इनफिक्स, इसको हम इनफिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक नहीं करते हैं, जहां पर जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स है उसके हिसाब से हम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहां पर ब्रैकेट पहले परफॉर्म करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर लेफ्ट टू राइट एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसका मतलब जो कंट्रोल है कभी यहां कभी वहां होता रहेगा, लेकिन ये वाले एक्सप्रेशन में हम ऐसा नहीं करेंगे। लेफ्ट टू राइट पूरा पढ़ते जाएंगे और ये इवैल्यूएट होता जाएगा। चलिए देखते हैं ये पोस्टफिक्स नोटेशन का एडवांटेजेस क्या क्या है, बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं। तो पहला बेनिफिट है, इसमें कोई हमको ब्रैकेट या पैरेंथेसिस देने का दरकार नहीं है, तो बिना पैरेंथेसिस दिए हम ये एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। और प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर जो होता है, जैसे कि पहले हम जो बोर्डमास रूल है हमारे पास, वो यहां पर इररिलेवेंट हो जाता है। हम ब्रैकेट्स तो लगाएंगे नहीं तो प्रायोरिटी आएगा ही नहीं। सेकेंडली और एक चीज है, जबकि यहां पर प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर नहीं है, इसका मतलब इसका इवेल्युएट करने के लिए हमको पोजीशन ऑफ द ऑपरेटर इंपॉर्टेंस रखता है। और लास्टली ये सॉल्व करने के लिए काफी सिंपल होता है। जब हम ह्यूमन कोई एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन हमको ईजी लगता है ए प्लस बी, लेकिन जब एक सिस्टम इवेल्युएट करे तो पोस्टफिक्स नोटेशन इजी रहता है। ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए पहले तो एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे, उसके बाद एल्गोरिथम या फिर प्रोग्राम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिंग ले लिए जिसका की लेंथ है 7 और ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2 3 1 स्टार प्लस 9 माइनस। तो हम करेंगे क्या, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, फिर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। हम ये स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट स्कैन करते जाएंगे, जो भी कैरेक्टर हमको मिलता रहेगा, अगर ये कैरेक्टर एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसको पुश कर देंगे। अगर ये कैरेक्टर एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कोई एक ऑपरेटर है, तो यहां पर पुश किया कि टॉप से दो एलिमेंट निकाल के ये ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और जो रिजल्ट निकला इसको फिर से पुश करेंगे। तो इस तरह से करते करते ये स्ट्रिंग के लास्ट तक चले आएंगे, तब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो जाएगा। देखिए कैसे स्कैनिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो 2 जो एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो 2 को हम पुश कर दें। नेक्स्ट एलिमेंट है 3, 3 भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है इसलिए 3 को भी पुश कर दिए। नेक्स्ट वैल्यू है 1, 1 एक न्यूमेरिक वैल्यू है इसलिए इसको भी पुश कर दिए। नेक्स्ट है
एक ऑपरेटर स्टार, तो हम करेंगे क्या, ये स्टैक के ऊपर से दो पॉप करेंगे और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम फिर से पुश करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉप किए तो वन आया, फिर ये स्टार को ले लेंगे, फिर नेक्स्ट पॉप करेंगे तो थ्री आ गया, तो थ्री आ गया, तो वन इंटू थ्री जो परफॉर्म करेंगे जो रिजल्ट निकला उसको फिर से पुश करेंगे, तो ये जो रिजल्ट है यहां पर आ गया। फिर स्कैन करते हैं, नेक्स्ट है प्लस, ये एक ऑपरेटर है इसलिए पॉप करेंगे फर्स्ट टू एलिमेंट को और ये ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो फर्स्ट टू ऑपरेंड ले लिए, इसको प्लस करेंगे, रिजल्ट हो गया फाइव, और फाइव को फिर से हम पुश कर देंगे। फिर स्कैन करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर है नाइन, सो नाइन एक न्यूमरिक वैल्यू है इसलिए इसको फिर से पुश कर दिए। नेक्स्ट है माइनस, माइनस जो है एक ऑपरेटर है तो इसीलिए दो बार पॉप करेंगे और माइनस कर देंगे ये दोनों पॉप वैल्यूज को लेके, तो वैल्यू हो गया फोर। ये वैल्यू को फिर से पुश करना चाहिए था, एंड ऑफ द स्ट्रिंग में आ जाएंगे तभी इसको पॉप करके हम प्रिंट करें। आशा करता हूं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया हो, अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया है तो इसी को हम एल्गोरिथम से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप ले लेंगे और ये व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक कि एंड ऑफ द स्ट्रिंग ना हो। एक के बाद एक कैरेक्टर को हम रीड करेंगे, अगर ये जो कैरेक्टर हम रीड किए ये एक न्यूमरिक वैल्यू है इज अ डिजिट तो उसको हम पुश करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे स्विच में आ जाएंगे, इसका मतलब ये एक न्यूमरिक वैल्यू नहीं है, तो एक कैरेक्टर हो सकता है, तो ये कैरेक्टर अगर प्लस है तो दो बार हम पॉप करके इसको प्लस करेंगे और फिर तो रिजल्ट निकलेगा उसको हम पुश कर देंगे। अगर माइनस हुआ तो भी वही करेंगे, अगर मल्टीप्लीकेशन हुआ तो भी वही करेंगे, लेकिन डिवीजन में जो दोबारा पॉप करेंगे तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक डिवीजन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं है तो डिफॉल्ट में आ जाएगा और लिख देगा कि ये एक इल्लीगल ऑपरेटर है। फिर आई को इंक्रीमेंट करेंगे और ये व्हाइल लूप में फिर से आ जाएंगे, तो ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमको एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक ना आ जाए। तो चलिए इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए एक स्टैक को इनिशियलाइज किए और टिल द एंड मतलब लास्ट तक नहीं होने तक एक एक कैरेक्टर बढ़ा के हम लोग यहां पर क्या रीड कर रहे हैं, क्या ये डिजिट है या फिर डिजिट नहीं है, अगर डिजिट है तो इसको हम पुश करेंगे, नहीं तो पॉप करके वैल्यू वन वैल्यू टू में रख के ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगले वीडियो में स्टैक का और एक एप्लीकेशन देखेंगे। ये वीडियो आप तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहिए सीखते रहिए। अगले वीडियो में तब तक अपने ख्याल रखिए।